हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन मास्टर में, जहां आज मैं आपको बताऊंगा आयरलैंड वीमेन और न्यूजीलैंड वीमेन के बीच में होने वाला T20 मैच का प्लेइंग 11 और ड्रीम 11 टीम। तो फ्रेंड्स, अभी भी इस मैच में तकरीबन 4 घंटे बाकी हैं, आप इस वीडियो को देख कर एक अच्छी टीम लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए अब बात करते हैं दोनों टीमों की क्या प्लेइंग 11 हो सकती है। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे फ़ायदा उठा पाओगे। तो फ्रेंड्स, आइए अब बात करते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। YMCA क्रिकेट क्लब डबलिन में खेला जाएगा। फ्रेंड्स, अगर बात करें न्यूजीलैंड वुमेन की प्रोबेबल 11 की, तो सोफी डिवाइन ओपन करेंगे, उनके साथ सुजी बेट्स जो कि कैप्टन है, फिर कैटी मार्टिन विकेट कीपर, एम एस अथरवेट, मैडी ग्रीन और बी बेजुई डेन हॉट में से कोई एक खेलेगा। ज़्यादा चांस है कि मैडी ग्रीन ही खेलें। उसके बाद हन्ना रोवे या एना पटर्सन में से कोई एक खेल सकता है। फ्रेंड्स, उसके बाद हैली जेनसन या एना पटर्सन में से कोई एक खेलेगा। तो ये 2-3 प्लेयर ऐसे हैं जो थोड़े से रिस्की हैं, तो आप इनको स्किप करके चलें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद बॉलिंग में एमेलिया कर, ली कैस्पर, ली तहु और हॉली हडलस्टोन। तो ये प्लेइंग 11 है जो कि न्यूजीलैंड की टीम लेकर उतर सकती है। फ्रेंड्स, बता दूँ कि आयरलैंड की वुमेन जो T20 की टीम है वो कुछ खास स्ट्रांग नहीं है, वीक टीम है। तो हो सकता है किसी सीनियर प्लेयर को रेस्ट दे दे न्यूजीलैंड की टीम, लेकिन सिर्फ एक ही T20 मैच है तो वो अपना स्ट्रांग टीम लेकर उतरना चाहेगी। तो फ्रेंड्स, ये 2 प्लेयर को आप स्किप करके चले, हन्ना रोय या एना पटर्सन या हैली जेनसन। बाकी के जो प्लेयर हैं वो तकरीबन सेफ हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई न्यूजीलैंड की प्रोबेबल 11। अब आइए आयरलैंड की बात करें। फ्रेंड्स, बता दूं आयरलैंड की टीम बहुत कम मैच खेलती है, इसलिए इनका प्लेइंग 11 प्रोडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है और होता रहा है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि अगर मैंने जो प्लेइंग 11 बताई या ड्रीम 11 टीम बनाई उसमें से कोई नहीं खेला, तो उसके लिए मैं पहले ही आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो टीमें मैच ज़्यादा नहीं खेलती उनका प्लेइंग 11 प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर भी फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि बेस्ट प्लेइंग 11 दूँ। क्लेयर सिलिंगटन जो कि ओपन करेंगी, मैरी वाल्ड्रॉन जो कि विकेट कीपर है ये ओपन करेंगी उनके साथ, फिर सेलिया जोएस, लॉरा डिलेनी जो कि कैप्टन, शौना कवांग, फिर इसोबेल जोएस, गैबी लेविस, किम गर्थ, रेशल डिलेनी, एमी केनली और कैरा मरे या लारा मैरिज में से कोई एक खेलेगा। फ्रेंड्स, तो इसमें से कैरा मरे या लारा मैरिज में से कोई एक खेल सकता है। ये दोनों प्लेयर थोड़े से रिस्की हैं तो आप इनको स्किप करके चलें। फिर भी फ्रेंड्स, मैं फिर से बता दूं, कोई किसी भी प्लेयर को बैठा सकते हैं, क्योंकि पता नहीं है फ्रेंड्स आयरलैंड वुमेन की टीम क्या प्लेइंग 11 लेकर उतरेगी। फिर भी मैं आप लोगों को बेस्ट प्लेइंग 11 देने की कोशिश किया हूं। अब आइए फ्रेंड्स, बात करते हैं ड्रीम 11 टीम की। मगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, मुझे बहुत खुशी मिलती है आपकी एक छोटी छोटी लाइक से, और मैं यूँ ही आपके लिए मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं आपके लिए वीडियो अच्छी अच्छी बनाता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, आइए अब बात करते हैं ड्रीम 11 टीम की। मैंने ऑलरेडी बना रखा है, आपके पास विकेट कीपर में 2 ऑप्शन है, कैटी मार्टिन और मैरी वाल्ड्रॉन। मैरी वाल्ड्रॉन ओपन करेंगे, कैटी मार्टिन मिडिल ऑर्डर में खेलेंगी। तो फ्रेंड्स, आप मैरी वाल्ड्रॉन के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि जानते हैं अगर आयरलैंड वुमेन की टीम पहले बैटिंग की और कम रन बनाई, जैसे 50-60 पे ऑल आउट हो गई, तो फिर कैटी मार्टिन का बैटिंग मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ओपनर ही उनको जिता सकते हैं। तो फिर मैरी वाल्ड्रॉन आपके लिए एक बेनिफिट साबित हो सकती हैं। तो अगर न्यूजीलैंड वुमेन की टीम पहले बैटिंग करती है तो फिर कैटी मार्टिन आपके लिए बेनिफिशियल साबित होंगी। तो फ्रेंड्स, मैं फिर भी कैटी मार्टिन के साथ ही जाना पसंद करूंगा, आप मैरी वाल्ड्रॉन के साथ भी जा सकते हो। अब बात करें फ्रेंड्स बैट्समैन में, तो मैं सुजी बेट्स, लॉरा डिलेनी, क्लेयर सिलिंगटन, ये 3 बैट्समैन के साथ जा रहा हूँ। एमी सथरवेट को मैं रखना चाहता था, लेकिन क्रेडिट ना होने की वजह से इनको नहीं रख पाया हूँ। अगर आप क्रेडिट मैनेज कर पा रहे हैं तो ये बड़े ही अच्छी बैट्समैन है, आप इनके साथ जाएँ। उसके बाद जो बता दूँ जो ऑप्शन है, सेसेलिया जो है के साथ आप जा सकते हैं, मैडी ग्रीन एक अच्छी ऑप्शन है, आप इनको भी अपनी टीम में रख सकते हो। अगर बात करें फ्रेंड्स ऑलराउंडर में, तो मैंने सोफी डिवाइन, किम गर्थ और गैबी लेविस, ये 3 ऑलराउंडर को रखा है। इसोबेल जोस जो कि काफ़ी अच्छी ऑलराउंडर है, आप क्रेडिट ना होने की वजह से मैं इनको नहीं रख पाया हूँ। अगर आप किसी तरह भी मैनेज कर पाए तो इनको रखें तो ज़्यादा बेहतर है। अब आइए फ्रेंड्स बात करते हैं और बॉलर्स में, तो मैं ज़्यादा बॉलर रखने की कोशिश किया हूँ और न्यूजीलैंड की ज़्यादा बॉलर रखने की कोशिश किया हूँ, क्योंकि वीक है आयरलैंड की टीम तो ऑल आउट हो सकती है जल्दी। फिर ली कैस्पर ये मेन बॉलर, आयरलैंड की तरफ से रेचल डिलेनी, फिर हॉली हेडलस्टन और एमेलिया कर, ये 4 बॉलर मैंने रखे हैं जिसमें से 3 न्यूजीलैंड के बॉलर हैं। आपके पास जो दूसरे ऑप्शन है ली तहु, एमी केनली को आप रख सकते हो या फिर लारा मारिज। तो ये कुछ ऑप्शन है जिनको मैंने बता दिया, वैसे 4 बेस्ट बॉलर को मैंने रख लिया है फ्रेंड्स। अब आइए कैप्टन में
सोफी डिवाइन को रखा हूँ जो कि ओपन करती हैं और काफ़ी तेज तरार बैटिंग करती हैं, और वाइस कैप्टन सुजी बेट्स दोनों ओपनर हैं अपनी टीम की और बॉलिंग भी करती हैं, तो मैं ये सबसे बेस्ट चॉइस है। आप कैप्टन सुजी बेट्स को भी बना सकते हो और वाइस कैप्टन सोफी डिवाइन को, या मैंने कैप्टन सोफी डिवाइन और वाइस कैप्टन सुजी बेट्स को बनाया। तो फ्रेंड्स ये है टीम आज की, आइए एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं। कैटी मार्टिन सुजी बेट्स, एल डिलेनी, सी सिलिंगटन, सोफी डिवाइन, के गर्थ, जी लेविस, एल कैस्पर्क, एमेलिया कर, आर डिलेनी और एच हडलस्टेन। फ्रेंड जरूरी नहीं जो मैं टीम बनाए उसे आप जीतें, आप खुद से भी एक दो चेंजेस कर सकते हो, कैप्टन और वाइस कैप्टन खुद की चॉइस से रख सकते हो। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं मैं क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ आने वाले वीडियोज़ में, मैं ज़रूर इंप्रूवमेंट करूँगा आप, और अगर और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।